मम्मी कहाँ चले गई? मम्मी चले गई घर? घर चले गई मम्मी? झूठ नहीं सच। देख लो नहीं है ना यार। दिख रही है आपको? वो रही है मम्मी, देखो बाहर। चलो जल्दी जल्दी। पैसे हैं तो बस अंकल को अभी आंटी को पैसे दे देना। दीदी हाँ अपने पैसे का सामान कर लो जाओ। चलो जाओ तो ये देंगे नहीं वापस फिर अंकल। दीदी अब नीचे गिराओगे इसको बार बार तो अपने आप ही गिर रही है। हाँ अपने आप गिर रही है, अपने आप गिर रही है वो। तो जी आज आए थे विशाल मेगा मार्ट शॉपिंग करने के लिए और उसे देखो पकौड़ों को पक्को भी वक्त आ रहा है। कितनी सही जगह पे स्कूटी लगा के हैं अंकल अब। देख रहे हो सब? अब मैं ज़रा दिखा दूँ, मतलब सब खाली पड़ा हुआ है सब, ठीक है, लेकिन इन अंकल को जगह मिली थी बस यहाँ पे बाइक के पीछे स्कूटी लगाने के लिए। काकू ने क्या क्या लिया दिखाओ। एक तो काकू ने जूस लिया, और क्या लिया दिखाओ। फिर ये वाटर बॉटल भी तो लिया काकू ने। मैं इससे स्कूल नहीं जाता। काकू इसको लेके स्कूल जाएगा अब। कहता है टेस्टी है तो देखो किसी के साथ शेयर नहीं करता। काकू जो शेयर नहीं करता उसको क्या हो जाता है? हाँ कहाँ पे लगती है? तो जी वी मार्ट पे गए थे, वी मार्ट पे काफ़ी ज़्यादा खर्चा करके आए हैं और वहाँ से लेके आए हैं लगभग 4-5 टी शर्ट्स। तो वहाँ से 4-5 टी शर्ट्स लेके आए अपने लिए, गर्मियाँ आ गई हैं तो गर्मियों के लिए। क्यों ली हैं 4-5 टी शर्ट? रखिए एक्चुअली आज है मेरा बर्थडे और बर्थडे पर रेखा ने मुझे किए हैं गिफ्ट 5 टी शर्ट। वेल डन, थैंक यू। अम्मा की छड़ी क्यों नहीं लाए? वो बंद है। क्या बंद है? बड़ी वाली शॉप बंद है। मम्मी बड़ी वाली शॉप से ही अपनी कोल्ड ड्रिंक लेकर आया था ये। झूठ बोल रहा। चीटिंग करती। ये चीटिंग करता है बहुत। चीटर? खाने में है डोसा, डोसा और मम्मी क्या कर रही हो तुम ये चुप चुप अकेली अकेली? मम्मी क्या है ये? पाव भाजी। पाव भाजी ऐसे खाई जाती है? ये थी तो पाव भाजी। ये चटनी से का मम्मी ने इसका भाजी पाव बना दिया। दीदी डोसा कैसा लगा तुम्हें? इट्स यम्मी। बढ़ रहा है इंडिया, बढ़ रहा है इंडिया। इधर आर्यन चुपचाप से लगा हुआ है, देखो। ओ आर्यन के पास में क्या क्या है? बटर पनीर मसाला। बटर पनीर मसाला, बटर नान, बटर नान, प्याज, प्याज, दाल मखनी, दाल मखनी और चटनी, और जी पुदीने वाली चटनी है। बहुत टेस्टी। अच्छा क्यों खा रहे हैं आज आपको पता है? क्यों खा रहे हैं? आज तो मामा जी का बर्थडे है। आज है मेरा बर्थडे तो लाओ मेरा गिफ्ट दो। अरे दीदी हाँ यार गिफ्ट की तो बात रहेगी, दीदी तुम मेरे गिफ्ट नहीं लेके आई। पता है दीदी को? दीदी मेरा गिफ्ट पहले मैं खाना खा लूं। पहले डोसा खा।
देखती हूँ गिफ्ट लायक पार्टी है या नहीं है। तो दोस्तों आज था मेरा बर्थडे, तो बर्थडे पे बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं किया, बस छोटा सा सेलिब्रेशन सेलिब्रेशन भी किया था, बस फैमिली के साथ में थोड़ा सा टाइम स्पेंड हुआ। दीदी आ गई थी और छोटी दीदी नहीं आ पाई, तो इस वजह से हमने केक भी कट नहीं किया, क्योंकि मैं और जो छोटी सिस्टर हैं दोनों का जन्मदिन, मतलब लगभग हमारा बर्थडे में ज़्यादा दिन का डिफरेंस नहीं है, लगभग 7-8 दिन का। उनका 12 तारीख को होता है और मेरा 20 फरवरी को होता है, उनका 12 फरवरी को होता है और मेरा 20 फरवरी को होता है, तो 7-8 दिन का डिफरेंस रहता है। तो अब कुछ दिन के बाद में जब वो आएंगी, 1-2 हफ्ते के बाद में जब भी उनका आना होता है, तो तब हम केक कट करेंगे। तो तब तक एक्चुअली क्या है, हम बचपन से ही दोनों का केक साथ में ही कट होता है, तो आज मैंने इसलिए अपना केक तो कट नहीं किया यार, लाइक तो कर ही दिया तो ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर जो लोग नए हैं, जो लोग नए देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आपका सपोर्ट बस ऐसे ही मुझे मिलता रहे, और थोड़ा सा ज़्यादा सपोर्ट मिले तो और ज़्यादा थोड़ी सी खुशी होगी। थैंक यू सो मच, आज का व्लॉग हम यहीं पे रखते हैं, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।